क्या नाम है आपका? मेवालाल। मेवालाल कहाँ के रहने वाले हो? जौनपुर। इसे मुंह को ढकिए पूरा। जौनपुर के? हाँ। तो बाबूजी यहाँ दिल्ली में कैसे? काम के चक्कर में आए। लॉकडाउन में फंसे हुए हो? हाँ। तो घर नहीं जा पाए? नहीं। कैसे उदास हो रहे हो? काम धंधे में क्यों उदास होना ही पड़ेगा साहब। कितने बच्चे हैं बाबूजी? बच्चे नहीं। बच्चे नहीं? तो कितने लोग हो आप यहाँ पे? तीन जने। तीन लोग हो। तो कैसे कर रहे हो फिर गुजारा? मांग के लाते हैं सर, खाना खाते हैं। बस कोई आते हैं दे जाते हैं, वही खा लेते हैं, नहीं तो बस अपने पड़े रहते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है दुकन कुमार राजवंशी। आप कहाँ के हो? बिहार के रहने वाले सर। बिहार के? तो क्या काम करते थे आप यहाँ पे? तोड़ाई का काम करते थे। अब तोड़ाई का काम हो गया बंद सर, अब फंसे हुए हम लोग। अब घर भी जाने के लिए भी चाहिए कुछ पैसे वैसे। तो वो अब तो बसेस लग रही हैं जाने के लिए? हाँ बसी उसी लग रहे हैं सर, तो कुछ पैसे भी नहीं है। अच्छा। पैसे होते तो घर चले जाते हैं। प्रभु। प्रभु तो कहाँ के हो आप? मैं भी हूँ बिहार का। तो यहाँ इसी यहीं रहते हैं आप? इस इसी में जिंदगी गुजार रहे हैं? हाँ। बस ये जो सामान है यही है आपका, जो खाने पीने का सामान यही है? यही है बस, यही है। ये कितने टाइम का सामान है? बस यही दो तीन दिन का है बस। दो तीन दिन का भी कहाँ लग रहा है ये? हाँ? दो तीन दिन का भी कहाँ लग रहा है? दो टाइम का लग रहा है। हाँ। राशन वाशन है? राशन यही है दो तीन का। मतलब ये दो टाइम का राशन, इसके अलावा कुछ नहीं राशन? और पैसे वगैरह? पैसे नहीं है, रिक्शा चलाते थे, अब रिक्शा ही बंद है, क्या करें। अच्छा रिक्शा चलाते थे आप? कुछ राशन दें आपको? आप जैसे मर्जी। नहीं मर्जी नहीं, आप हमारे भाई हो। नहीं नहीं आप घबराओ नहीं, हम आपको राशन देंगे, ठीक है ना? ये राशन तुम्हारा, ठीक है, घबराना नहीं है। अब तो राशन आ गया ना? अब कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है, मतलब भूखे तो नहीं रहोगे ना? नहीं। घबराना नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला सबके साथ में है, ठीक है ना? वो अपने बंदों कभी भूखा नहीं रहने देता, ठीक है ना? जय बोले। तो कहाँ रो रहे हो? मतलब रो कहाँ रहे हैं साहब, हम तो खुश हो रहे हैं। कितनी किस्मत अच्छी, आज सोमवार के दिन है, भोले के दिन है, मैं भोले के भक्त हूँ। देखो भोले ने सुन लिया, सुन लिया, और एक, एक एक खान को भेज दिया आपके मदद करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई भी हो सब एक समान है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबका संबंध है, भगवान सब एक ही है। हिंदू मुस्लिम करने वाले जो मीडिया चैनल है ना, वो इन लोगों से सीखे। ये वो गरीब तबका है जिसको सिर्फ भूख जब सताती है ना, तो वो कोई धर्म नहीं देखती, ना हिंदू ना मुसलमान। चले आप घबराने नहीं है, ठीक है, ऊपर वाला कभी किसी को भूखा नहीं रहने देता, खुश रहिए भाई, ठीक है ना? आप तुम्हारे पास 5-7 दिन का राशन आ गया, पैसे आ गए, ठीक है, अच्छे से रहिए, ठीक है। सलाम अलैकुम। क्या बोला? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बता दिया है तो मुझे जवाब तो होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। देखिए ये वो लोग हैं जिनको बेहद ज़्यादा ज़रूरत है और इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, और ये छोटी सी झोपड़ी आप देख सकते हैं, इस झोपड़ी में ही रह के अपना गुजारा करते थे। ये रिक्शा चलाते हैं, वो बेलदारी करते थे, और इनके पास में एक राशन, सिर्फ इतना राशन था कि ये एक टाइम या मुश्किल से दो टाइम का खाना खा सकते थे। लेकिन भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने, ईश्वर ने, भोले बाबा ने, जिसको भी जो भी मान सकता है, इनको हमारे पास, हमें इनके पास भेजा। और कम से कम ये अब 10 दिन तो भूख से नहीं तड़पेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आगे हटके ऐसे लोगों को देखो, ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म से हो। ऐसे वक्त में तो इन लोगों को आपकी बेहद ज़रूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा काम अच्छा लगता है, तो हमारे, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए।